बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं की भी कोई पूछ नहीं है तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की क्या पूछ होगी, जबकि कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होता है पार्टी की। हमारी बिरादरी तो वैसे भी साइलेंट है, लेकिन साइलेंट बिरादरी बड़ी खतरनाक होती है, वो इलाज बहुत बढ़िया करती है। को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना ये कोई औचित्य नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की। जी हाँ, मनोहर सरकार में अनिल विज गृह मंत्री थे, लेकिन नायाब सरकार में उनके पास कोई पद नहीं है। इसे पंजाबी समाज किस रूप में देखता है हरियाणा में, हम बात करेंगे समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों से। हमारे साथ हैं नेशनल विस्तारक सुरेश अरोड़ा जी। सुरेश अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम धमीजा जी हैं, हांसे गेट मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार। गाबा जी हैं, विनोद गाबा जी, जो बीओ रहे हैं और काफी सोशल हैं, अच्छे हैं, पंजाबी समाज में काफी नाम है। तो सबसे पहले हम अरोड़ा जी आपसे बात करेंगे कि आप इसे किस रूप में देखते हैं, पंजाबी समाज जो है अनिल विज को किस रूप में देखता है, आज वो सिर्फ विधायक बन के रह गए हैं। देखो क्या है, अनिल विज एक ईमानदार और बोल्ड नेता है, पंजाबी समाज के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए ही लड़ता रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग हमारे नेता की पैरवी नहीं कर सकते, हम उसे पैरवी चाहते हैं हमेशा हमेशा। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई, ये घटना अब कई बार रिपीट हो चुकी है, इसका खामियाजा भी भुगता है, लेकिन हमारी बिरादरी जागरूक नहीं है। जब तक वो इनकी पैरवी नहीं करेगी, ये लोग अपने लिए ना तो कोई काम कर पाएंगे ना पंजाबी बिरादरी का हित कर पाएंगे, क्योंकि जब भी अनजस्टिस होता है तो बिरादरी के लोग चुप होकर घर बैठ जाते हैं। हालांकि करना ये चाहिए कि विधानसभा में या फिर मुख्यमंत्री के पास घेराव करें या अपना मेमोरेंडम दे, जरूर जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ईमानदार और एक बहुत पुराने बीजेपी के नेता, जब बीजेपी को यहाँ कोई पूछता भी नहीं था, बीजेपी की एंट्री भी नहीं थी, तब से वो यहाँ है और तब से जीतते आ रहे हैं, और एस्टेब्लिश्ड नेता, वयोवृद्ध नेता है, उनके साथ ये बहुत ज्यादा बड़ी जाती हुई है। आप एक बड़े ग्रुप को चलाते हैं पंजाबी समाज का, पूरे नेशनल में आपका ग्रुप है, पूरे हिंदुस्तान में ग्रुप है, आप पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लेकिन हरियाणा में क्या माहौल है इस वक्त, क्या बीजेपी को लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अनिल विज को हटाकर? देखिए, जब भी कोई किसी बिरादरी के साथ अनजस्टिस होती है, हमारी बिरादरी तो वैसे भी साइलेंट है, लेकिन साइलेंट बिरादरी बड़ी खतरनाक होती है, वो इलाज बहुत बढ़िया करती है। अगर इस पर कोई विचार विमर्श या कोई स्टेटमेंट नहीं आया पोलिंग से पहले पहले, तो इसका खामियाजा बीजेपी को बड़ा भारी भुगतना पड़ेगा। प्रेम धमीजा जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, अनिल विज जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। अनिल विज जी का मुकाबला मेरे ख्याल में हमारे पंजाबी नेताओं में उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है, और उनको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना ये कोई औचित्य नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। जब बीजेपी की दो चार सीटें भी नहीं आती थी, तब से वो यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं, और एक घर का सीनियर आदमी, उसको अगर मान लो उसके मन में कोई नाराजगी है या कुछ है तो उसको मनाया जाता है, ये नहीं कि मान लो कोई रूस गया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। तो इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं की भी कोई पूछ नहीं है तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की क्या पूछ होगी, जबकि कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होता है पार्टी की। कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जब इतने बड़े बड़े लीडरों को नहीं पूछा जाता तो तुम्हारी क्या पूछ होगी। तो इससे ना इस पार्टी के ऊपर बहुत ही, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है वो नेगेटिव जाएगा। पार्टी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं तो श्री मनोहर लाल जी के बारे में भी ये कहूंगा कि एक दिन पहले तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी बहुत बड़ी तारीफ करते हैं गुड़गांव में, अगले दिन उनको पद से हटा दिया जाता है। तो मैं तो लोग दबी जबान से अब तो ये भी बात करने लग गए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की तारीफ कर रहे हैं तो अपना हिसाब लगा ले भाई, उसके साथ क्या होने वाला है। जी, अभी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो क्या लगता है पंजाबी समाज क्या डिसाइड करेगा इस बारे में? देखो, हमारा पंजाबी समाज एक यूं है कि बहुत ही शांत प्रिय हमारा समाज है, कभी भी हो हल्ला नहीं करता, लेकिन अगर समाज के साथ कहीं जाति होती है, नाजायज होता है, तो हर आदमी सोचने और समझने को मजबूर होता है। अगर हमारे समाज के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचा गया जो, तो मेरे को लगता है कि इसमें हमारी बीजेपी को कुछ ना कुछ खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, विनोद गावा जी, आप भी काफी संस्थाओं से जुड़े हैं, काफी एक्टिव हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
मैं तो जिस दिन अनिल विज जी को शपथ नहीं दिलाई गई, मुख्यमंत्री की शपथ समारोह हो रहा था जी, तो 5 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन थोड़ी देर में देखने में लगा कि 4 ही कुर्सियां लगी हुई है। तो उससे जब इनका नाम नहीं बोला गया तो हमारे खुद की अंतरात्मा से आवाज आई कि हमारे समाज का एक ही ईमानदार और वरिष्ठ नेता बीजेपी का था, उसको इन्होंने इग्नोर किया। हिसाब तो ये बनता था कि खट्टर साहब अगर पद से इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद सबसे सीनियर हमारे बीजेपी के नेता थे श्री अनिल विज जी, जो केवल न केवल पंजाबी समाज के नेता थे बल्कि पूरे हरियाणा के हर समाज की समस्याएं सुनते थे। उनने कभी भी अपने समाज के लिए नहीं सोचा कि हम भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी, कोई दफ्तर वाले या पुलिस वाले नहीं सुनते थे तो हम उनके दरबार में भेजने का काम करते थे भी आप अपनी जो है फरियाद लेकर वहाँ पर जाए। तो इस प्रकार के वो बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता थे और पूजनीय, हमारे पूरे समाज में पूजनीय नेता रहे हैं वो। हमारा समाज को उस दिन बहुत झटका लगा जब इनको मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई गई। तो मुख्यमंत्री की चलो कोई कारण हो सकते हैं नहीं दिलाई जा सकी, तो कम से कम उनको जो है जो पहला जो मंत्री पद था वो जरूर दिया जाना चाहिए था। अगर वो किसी कारणवश रूस कर चले गए, उनको तुरंत मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी या अपना दूत भेजकर उनको तुरंत बुलाना चाहिए था, तभी जो है उनको कुछ शांति मिलती। लेकिन किसी ने भी उनकी इस नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने अपनी तरफ से जब ये देखा, जब हमें इतना महसूस हुआ तो उनको तो पता नहीं कितना हुआ होगा। तो हमारे समाज के जो है सबसे पूजनीय नेता रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है, अगर इसी तरह अन्याय होता रहा आगे भी तो हमारा समाज जो है वो सारा इकट्ठा है, इनके साथ खड़ा है और समय आने पर इसका जो है हम जवाब भी देंगे। अरवा जी, अनिल विज जी के मन में कहीं ना कहीं टीस तो होगी, क्योंकि कभी गोलगप्पे खाकर कभी गीत संगीत सुनाकर वो ऐसा लगता है कि अपना दर्द जाहिर करना चाहते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे। देखिए, कोई भी हो, अनिल विज हो या आप हो हम हो, सबसे बड़ी टीस कब होती है, एक शायर ने कहा था कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती जा डूबी वहां पानी ही कम था। इस पूरे प्रकरण में हमारे ही किसी वीरवृद्ध नेता का हाथ है, मैं खुल के नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन समाज को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि उसने कोई राजनीतिक कूटनीति के तहत ना तो इनको मुख्यमंत्री बनने दिया और ना किसी मंत्री पद की शपथ लेने दी। हम लोग एलिगेशन बीजेपी पर लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, उसमें भी हमारी बिरादरी के ही किसी नेता का आते हैं इनके साथ इतनी बड़ी अनजस्टिस करने में। और जहां तक टीस की बात है, जब आम साधारण पंजाबी के मन में इतनी भयंकर टीस है तो जिसके साथ हुई है उसको तो टीस होगी होगी, नेचुरल है, वो निकालेंगे भी लेकिन समय आने पर निकालेंगे, बहुत समझदार नेता। मेजा जी, अभी आपने कहा कि नुकसान भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को हरियाणा में, लेकिन अनिल विज ने अभी कंपेनिंग स्टार्ट कर दी अंबाला में प्रत्यक्षी के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, अनिल विज जी का ये बड़पन है, अनिल विज जी की ये उदारता है, मैं तो उनको एक साधुवाद दूंगा कि वो उनके साथ इतनी जाति होते हुए भी इससे ये जाहिर होता है कि वो पूरी तरह से अपनी पार्टी को समर्पित है और होना भी चाहिए क्योंकि वो इस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। घर में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको सुलटाया जाता है। मेरी अभी जो उम्मीद है, मुझे अब भी ये उम्मीद है कि अनिल विज जी को मनाया जाएगा और उनके मन मुताबिक उनको पद दिया जाएगा। इस पार्टी के वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सबसे पुराने नेता हैं और ये उनका बड़प्पन है कि वो पार्टी के लिए कंपेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने निजी स्वार्थों को एक तरफ रख के पार्टी के लिए चल रहे हैं, यहीं से उनकी उदारता का पता चलता है। तो ये कहना था पंजाबी समाज के प्रबुद्ध लोगों का कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में नुकसान होने की आशंका बिल्कुल बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन सिफर है, ये तो समय ही बताएगा कि पंजाबी समाज किस तरफ जाता है, अनिल विज के लिए कुछ करता है या फिर बीजेपी को वोट पोल करता है। आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।